सभी टीमों ने फाइनली अपने अपने रिलीज प्लेयर के लिस्ट के नेम एंड रिटेन प्लेयर के लिस्ट के नेम उन्होंने जमा कर दिया है और साथ ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने भी दे दिया है। और ऐसे में अब हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को अपने टीम से बाहर निकाली है एंड कौन से ट्रेड उन्होंने दो बड़े ट्रेड यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने किया है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने कौन कौन से खिलाड़ी को अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले लिस्ट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले लिस्ट में नाम निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मोइन अली, शिवम दुबे, इशुडु उडाना, क्रिस मॉरिस और एरन फिंच। तो गाइस इन खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि एक खिलाड़ी ऑलरेडी आरसीबी की टीम में रिलीज होने वाले हैं एंड आरसीबी की टीम इसके बारे में सोच विचार कर भी रही होगी, तो फाइनली इन खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने रिलीज कर दिया एंड आईपीएल 2021 के ऑक्शन में एक खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी लिस्ट के बारे में। तो दूसरी लिस्ट में जो नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें से नाम निकल कर आ रहा है डेल स्टीन, उमेश यादव, पवन नेगी, पार्थिव पटेल और गुरकिरत सिंह मान। तो गाइस इन पांच खिलाड़ी को लेके और उधर पांच खिलाड़ी को लेके तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम ने टोटल 10 खिलाड़ी को यहाँ पे रिलीज कर दिया है 2021 के आईपीएल के लिए। और ये सारे खिलाड़ी रिलीज होने वाले इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया था। पवन नेगी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उमेश यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, गुरकिरत सिंह मान को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, पार्थिव पटेल को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि इन खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रिलीज करने वाली है। और फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इन खिलाड़ी को 2021 के आईपीएल के लिए अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने कौन सी टीम के साथ यहाँ पे ट्रेड किया है। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने फाइनली उन्होंने एक ट्रेड किया है 2021 के आईपीएल के लिए एंड गाइस दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनका पहला ट्रेड हुआ है। और गाइस उन्होंने डेलियन सैम्स को गाइस अपने टीम में इंक्लूड किया है दिल्ली कैपिटल्स से लेके। और अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस दूसरे जो खिलाड़ी है उनका नाम है हर्षल पटेल। अब हर्षल पटेल को आप लोग जानते होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के साथ पहले भी जुड़ चुके हैं एंड पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल भी चुके हैं, लेकिन फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से नजर आने वाले हैं 2021 के आईपीएल में हर्षल पटेल। अब अगर हम लोग बात करें डेलियन सैम्स की तो डेलियन सैम्स का इसे कमाल के गेंदबाज से कमाल के बल्लेबाजी भी कर लेते ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के पास इकलौते ऑलराउंडर खिलाड़ी है अभी डेलियन सैम्स और बीबीएल में काफी कमाल का परफॉर्मेंस भी करते हैं। लास्ट ईयर जो कि टॉप में रहे थे बॉलर के लिस्ट में, तो डेलियन सैम्स अभी बीबीएल में काफी कमाल के परफॉर्मेंस करते हैं अपनी टीम के लिए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के लिए। आई होप कि 2021 के आईपीएल में एक कमाल के परफॉर्मेंस करेंगे। तो डेलियन सैम्स का हिसाब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एम चन्ना स्वामी स्टेडियम में वो बड़े बड़े हिट भी लगा सकते हैं एंड काफी अच्छा विकेट भी चटका सकते हैं क्योंकि ये बल्लेबाजी भी काफी कमाल के करते हैं अपने टीम के लिए बीबीएल में। तो गाइस अब हम बात करते हैं हर्षल पटेल के बारे में। तो हर्षल पटेल भी कमाल के गेंदबाज हैं एंड गाइस उन्होंने आरसीबी के लिए कुछ साल जब खेला था तो परफॉर्मेंस उनका ठीक ठाक ही था एंड उसके बाद उनका परफॉर्मेंस गिरता गया तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने उनको अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अभी की बात करें तो हर्षल पटेल थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इनको देखा है, फॉलो किया है और इनको अपने टीम में इंक्लूड कर लिया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं आरसीबी की टीम ने कौन से खिलाड़ी को इनको दिया है अपने टीम में इंक्लूड करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं आरसीबी की टीम ने ये डील यहाँ पे खिलाड़ी को दे के नहीं किया, कैश डील हुआ है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे यानी कि पैसे दे के इनका डील हुआ है, कोई खिलाड़ी को दे के इनके बीच में डील नहीं हुआ है। तो गाइस ये रहे ये 10 खिलाड़ी जो कि आरसीबी की टीम ने बाहर किया अपने टीम से। अब गाइस अब हम बात करते हैं ऑक्शन में आप सभी को स्टीव स्मिथ नजर आने वाले, जेसन रॉय नजर आने वाले, तो आरसीबी की टीम में कोई एक खिलाड़ी अब आपको नजर आएगा कन्फर्म, आप लोग ये लिख लीजिए स्टीव स्मिथ जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और आरसीबी की टीम को वो चाहिए। जेसन रॉय जो कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने पहले बोल दिया था कि एक खिलाड़ी हमें चाहिए और इस पर खतरनाक ओपनर वो अपनी टीम में इंक्लूड करने वाले हैं। तो गाइस क्या आप लोग देखना चाहते हो स्टीव स्मिथ को आरसीबी की टीम में, क्या आप लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में जेसन रॉय को देखना चाहते हो या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।